एक बार एक डरपोक आदमी को कब्रिस्तान पार करना था और वो इंतजार में था कि कोई इस रास्ते से आए, और इतने में ही उसी रास्ते से जाने के लिए एक आदमी आया था और उस आदमी के पीछे पीछे चलते हुए पूरी हिम्मत के साथ ये उस कब्रिस्तान को पार कर लिया था। वैसे वो दूसरा आदमी जो है वो आदमी इससे भी डरपोक था। पहले वाले को लगा कि दूसरा वाला है, दूसरे वाले को लगा कि पहला वाला उसके साथ है। बस इसी भरोसे की वजह से वो लोग कब्रिस्तान पार कर लिए थे। असल जिंदगी में भी हर इंसान को ऐसे ही भरोसे की जरूरत है। डोंट वरी यार, मैं हूं तेरे साथ। बस ये एक बात की वजह से बहुत हिम्मत मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। ऐसे एक बार एक आदमी अपनी कार में एक गांव की तरफ जा रहा था। जैसे ही गांव के अंदर पहुंचा तो उसके कार का टायर जो है कीचड़ में फंस गया था। आसपास देखा कोई मदद के लिए तो वहां पर एक किसान दिखा था। ये सब देखने के बाद उस किसान ने इस इंसान से कहा था, रुकिए साहब, मैं अपनी बैल को लाता हूँ और आपकी गाड़ी को बाहर निकालता हूँ मैं। ये कहकर अपनी खेती से एक बूढ़े बैल को वहां पर लेकर आया था और उसे कहा, इसका नाम राजू है, ये आपकी गाड़ी को बाहर निकाल देगा। उस बूढ़े बैल को देखकर ये इंसान निराश हो गया था। किसान ने उस बूढ़े बैल को गाड़ी के सामने रस्सी से बांध दिया और जोश के साथ कहा, हे राजू, अंजी, नंदी, क्या देख रहे हो तुम लोग, दोपहर का खाना खाया नहीं क्या? जोर से इस गाड़ी को बाहर खींचो अभी। जैसे ऐसा कहा था, राजू वो बैल जो है एक ही झटके में उस गाड़ी को बाहर निकाल दिया था। उसे देखकर यह इंसान चौंक गया था और किसान से कहा, सर, यहां पर तो एक ही बैल है, लेकिन आपने तो ऐसा पुकारा था कि यहां पर तीन चार बैल हैं। तो उस किसान ने कहा, साहब, मेरा राजू जो है बूढ़ा और कमजोरी नहीं, अंधा भी है। इसीलिए मैंने जैसे ही तीन चार बैलों का नाम लिया था तो उसे लगा वो लोग भी इसके साथ में हैं, और इसी भरोसे के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आपकी गाड़ी को बाहर निकाल दिया था। अगर पूरी विश्वास के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो काम चाहे कितनी भी मुश्किल रहे, आप उस काम को आसानी से कर लेंगे। इसीलिए मुश्किल की घड़ी में कोई भी दिखे तो उन्हें भरोसा जरूर दीजिए, क्योंकि भरोसा और आशीर्वाद दिखते नहीं है लेकिन असंभव को संभव जरूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है इस हफ्ते की हैशटैग मंडे मोटिवेशनल स्टोरी। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, और आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में थोड़ा तो बदलाव लाएगी। और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर।